हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज फाइनली मकर संक्रांति आ चुकी है और मेरे तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति। तो आप देख सकते हो कि हमारी पतंग भी रेडी हो चुकी है और यहाँ पे साई भी है और उधर आपको दिख रहा होगा कि उस घर के पास वहाँ पे बैठा भी है। तो आज हम उड़ाने वाले पतंग और उधर आदित्य भी है, आपको दिख रहा होगा। तो आज मकर संक्रांति तो इसलिए सारी तरफ पतंग ही पतंग दिख रही होगी। और अभी के पूरे 2 बज रहे, धूप है ना, तो इसलिए बाकी के लोग पतंग नहीं उड़ा रहे और ज्यादा धूप है इसलिए हमने सनग्लासेस भी लगा लिए। ये देखिए, और मेरी मतलब एकदम सही वाले सनग्लासेस आप देख सकते हो। तो बस अभी हम पतंग उड़ाएंगे और यहाँ पे साई भी है और हमारे साई ने भी पहन लिए सनग्लासेस। तो पहले अभी देखते है हमसे उड़ती या नहीं उड़ती। तो पतंग आनी है हमने, 30 लाख, 25 लाख की पतंग आनी है हमने। अरे मुझे चक्कर आने लग गए अब। भाई कब से कोशिश कर रहे हैं पतंग उड़ाने की, लेकिन कभी कभी हवा चल जा रही है और कभी कभी उड़ी नहीं रही है, मतलब उड़ी नहीं रही पतंग, तो हवा का मतलब ही नहीं आता है। पारस आई भाई, ये छोटा बच्चा है, ये पार्ट डालता पतंग। तो बस अभी वेट करते हैं हवा आने की। अभी के पूरे 3 बजने में आ चुके हैं, तो थोड़ा वेट करते हैं फिर उड़ाएंगे। तो गाइस आपको लग रहा होगा हमारी पतंग ने ऊपर जा रही, तो ये देख लो, आपको दिखाते हैं, इनकी भी पतंग नहीं जा रही उधर। सब बच्चे कोशिश कर रहे हैं कि ऊपर जाए पतंग, आपको यही लग रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसकी भी नहीं जा रही है, इसकी भी नहीं जा रही है, और उसकी तो आज बात नहीं जा रही है। अच्छा। और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारे लोगों की पतंग उड़ चुकी है, बस हमारे अलावा हमारी पतंग यही हमारे है। हमारे साथ ही इतना भेदभाव क्यों? भाई यहाँ पे आके हमें आधा घंटा हो चुका है और हमारी पतंग आपको कहीं नहीं दिख रही होगी क्योंकि उड़ी नहीं रही पतंग। अच्छा, इसलिए आधा घंटे से ट्राई कर रहे हैं कि पतंग उड़ जाए उड़ जाए, और मतलब गजब बेइज्जती है। मतलब किसी की पतंग नहीं उड़ रही है, आप देख सकते हो ये यहाँ पे, इसकी भी पतंग नहीं उड़ रही है, हमारी भी पतंग नहीं उड़ रही है और आजू बाजू में आप देख सकते हो कि किसी की पतंग ऊपर नहीं गई है। देखिए अभी जा रही है, अभी हवा रही क्योंकि इसकी तो चले जाएगी क्योंकि पूरे चारों तरफ इसका खुला ही खुला है इसलिए, और हमारे तरफ यहाँ पे ये भी आ चुका है, ये घर भी आ चुका है, इसलिए ऊपर नहीं जा रही है। तो अभी कोशिश करेंगे, ज्यादा हवा आएगी तभी उड़ेगी, अभी फट जाती है यहाँ पे पतंग। हम कोशिश कर रहे हैं कि पतंग उड़ जाए, तो अभी हवा भी नहीं चल रही है इसलिए पतंग भी नहीं उड़ रही है और ऊपर से ज्यादा बहुत ही धूप आ रही है। तो देखते हैं अभी कब तक पतंग उड़ती है, कब तक नहीं, तो रहते हैं हम ऊपर ही। और ये छोटा चिंटू छोड़, ये भगवान क्या जुलूम है। तो अभी देखते है हवा आएगी तभी हम पतंग उड़ा पाएंगे। तो अभी फाइनल हमारी पतंग ऊपर से गई है। तू के हा हस मैं हसदार हा, तू के हा नच। तो गाइस फाइनली हमारी पतंग उड़ गई है और आप देख सकते हो कि आगे मैं हसदार हा, तू के हा नच, मैं नचदार हा। तो गाइस फाइनली आप उनकी जो पतंग थी वो ऊपर चली गई है, आप देख सकते हो, और साई यहाँ पे पतंग उड़ रहा है, मैंने ही ऊपर डाली है, और यहाँ पे जादू इसकी भी चली गई थी, मतलब हम 2 लोगों की पतंग ही ऊपर नहीं जा रही थी और फाइनली अब चली गई है ऊपर। और आप देख सकते हो कि ये वाली जो पतंग दिख रही ना, ये हमारी, और अभी ये उड़ा रहा है पतंग। ओ भाई यहाँ पे अभी काटाकटी हो सकती है, पतंग काट सकती है, कभी भी कट सकती है पतंग, इसकी पतंग है और साई की पतंग है। ले 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 नीचे ले, ये मोबाइल पकड़, मोबाइल पकड़, मोबाइल पकड़, मोबाइल पकड़। रुक रुक रुक, आराम चिर निकाल। उड़ते अभी खतरनाक वाला सीन हो चुका है, यहाँ पे इसकी पतंग हमारे पतंग में अटक चुकी है और हमारी पतंग वहां पे उड़ रही है। भाई भाई पतंग जल्दी जल्दी जल्दी, वाह अभी हमारी पतंग इसके पास चली गई है और वो हमारे पतंग उड़ रहा है। बहुत भयानक वाला सीन, अरे बाप गई पतंग काम से, वहां पे चली गई पतंग। चलो भाई फाइनली हमारे पतंग आ चुके और अभी आप देख सकते हो कि सही उड़ा रहा है फिर से पतंग,
और अभी के पूरे 4 बज चुके हैं और आप देख सकते हो कि अभी ऊपर सारी तरफ पतंग ही पतंग आ चुके हैं। ये देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे भी पतंग, उधर भी पतंग, उधर भी पतंग, सारी तरफ पतंग ही पतंग। कैमरे में आप जस्ट नहीं कर सकते हो लेकिन सारी तरफ पतंग ही पतंग। और भाई सारा ये जो मांजा था सारा वेस्ट चला गया क्योंकि वहाँ पे पतंग अटक गई थी ना, इसलिए सिर्फ इतना ही रहा है। देखिए और इतनी कुछ गई है हमारी पतंग ऊपर। तो दो हो के लमा पीड़ा मेरिया दीवीता बस हो गई सारी उम्र मैं जो कर जबड़े आ रहा तेरे पीछे ये जिंदगी सरकस हो गई सारी उम्र मैं जो कर जबड़े तेरे पीछे ये जिंदगी सरकस हो गई। तो भी गाइस फाइनली हमारी पतंग हमने मतलब उड़ा दिए और उड़ के सीधी उड़ी गई है, तो मतलब चली गई हमारी पतंग टूट गई। तो अभी चलते हैं नीचे और देखते हैं अभी नीचे जाके, और चलते हैं नीचे। साई की तो उड़ रही है वहाँ पे, सही अभी तक उड़ा रहे पतंग। हाई कर दे ये देखिए उसकी पतंग बहुत ऊपर चली है। तो अभी चलते हैं नीचे। तो ये देखिए सारा मांजा का लॉस्ट हो गया ये देखिए। तो बस अभी चलते हैं नीचे सीधे। तो भी फाइनली हम नीचे आ चुके हैं और अभी के मतलब 5 बजे और 9 बजे, आज 9 बजे शिवलीला का ही पार्किंग इनका कीर्तन है तो हम जाएंगे, लेकिन मैं उस वक्त ब्लॉग नहीं बना पाऊंगा। तो बस आज मकर संक्रांति थी और हमने पतंग उड़ाई और हम और बहुत मजा किया। तो बस आज का ब्लॉग मैं यही पे एंड करता हूँ। तो आए हो सबको ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। सारी उम्र मैं जो कर जबड़े आ रहा तेरे पीछे ते जिंदगी सरकस।